जम्मू कश्मीर की प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंदर राणा जी, मेरे साथी और सह प्रभारी आशीष सूद जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, पार्टी के अभी जिनकी घोषणा आशीष जी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की है, उसके सभी सदस्यगण और मेरे प्यारे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए। मेरे को याद है 2014 का जो संकल्प पत्र था, और उसके बाद जब 19 आया था तो हमें गर्व था कि हमने उसमें से लगभग 100% जो संकल्प लिए थे वो पूरे किए। 2019 का हमारा भारत के मन की बात जानने के लिए कैंपेन शुरू हुआ था, लाखों लोगों ने उसमें सुझाव दिए, देश के अलग अलग संस्थानों ने सुझाव दिए, उन संस्थानों के सुझाव और लाखों लोगों के सुझावों के बाद जो घोषणाएं हुई, जो हमने जो घोषणा पत्र जारी किया, आज मैं 2019 के 5 साल पूरे होने पर लगभग 2024 में बैठा हूं, 100% जो हमने घोषणा पत्र में कहा था वो पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का एक संकल्प लिया है। बाल्यकाल से हम सब लोग अपने स्कूल्स में कॉलेज में सुनते आए हैं विकासशील शब्द भारत के लिए। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत कभी विकसित बनने का सपना भी ले सकता। अर्थव्यवस्थाओं में हमारी चर्चा होती थी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद, जनसंख्या में बड़ा अनुपात होने के बावजूद, हम कभी 15वें नंबर पर लुढ़कते थे, कभी 11वें नंबर पर लुढ़कते थे, कभी हमें सोना गिरवी रखना पड़ता था, कभी देश चलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बाहर की एजेंसियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन आज मैं अपनी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखूं, तो आज लड़खड़ाती ढुलमुल अर्थव्यवस्था से निकलकर भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों और उनकी मेहनत की प्रकाष्ठा के कारण पहुंचा है। उनकी डिजिटली सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा अभी अपने एक नंबर जारी किया है 9090902024। उस नंबर पर आप लिखित भी, मिस कॉल करने के बाद लिखित भी, और अगर मान लीजिए कोई देश का नागरिक सुझाव देना चाहता है और उसके पास लिखने का समय नहीं या लिखना नहीं चाहता, तो वो उसमें सुविधा रहेगी कि आप वॉइस SMS के बाद आप अपना सुझाव दे सकते हैं और वो सारे सुझाव सीधे मोदी जी के पास जाएंगे। विकसित भारत क्या होना चाहिए, ये देश की जनता से हम पूछने के लिए, आपको क्या लगता है कैसे आगे बढ़ना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि अब देश रुकने वाला नहीं है, अब देश आगे बढ़ चुका है। ये इस सपने को पूरा करने के लिए, मोदी जी का जो विकसित भारत की बात है उसको करने के लिए हम निकले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने इसके लिए पार्टी के सभी जिला इकाइयों पर इसी तरह के कार्यक्रम लॉन्चिंग के कल और परसों रहेंगे। देश की पार्टी के जो प्रकोष्ठ हैं, सेल जिसको कहते हैं, वो सभी सेल, जैसे हमारा सेल है, लीगल सेल है, शिक्षक सेल है, CA सेल है, जो पर पट्टी में रहने वाले लोगों का सेल है, कोऑपरेटिव है, उन पंचायत है, लोकल बॉडीज है, उन सेलों के माध्यम से भी
भारत के 954 जिले में कार्यक्रम होंगे और जम्मू कश्मीर में 27 पार्टी के जिलों में 370 कार्यक्रम, क्योंकि 370 सीटों का लक्ष्य भी है और 370 को एक कलंक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त भी किया है, 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्त भी किया है। वो 370 स्थानों पर उसके कार्यक्रम भी होंगे और 370 स्थानों पर जम्मू कश्मीर के अंदर संकल्प पेटियां रखकर जनता से सुझाव भी मांगे। बहुत बड़ा अभियान है, हमारा टारगेट है कि देश के अंदर 1 करोड़ नागरिकों से लिखित सुझाव लिए जाए। बहुत बड़ा टारगेट है और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम इसमें लगेगी। एक विधानसभा में भी कार्यक्रम होंगे, जिले में भी कार्यक्रम होंगे, प्रदेश में भी कार्यक्रम होंगे, पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी के प्रकोष्ठ भी लगेंगे, अलग अलग विंग्स में जाकर भी हम काम करेंगे। हमारे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हम जनता से जाकर सुझाव मांगेंगे और 15 मार्च तक देश के करोड़ों लोगों से मिलकर उनके डिजिटल, लिखित, हर तरह के सुझाव लिए जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए, इतनी बड़े अभियान में दुनिया का सबसे बड़ा नेता, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भारत का डंका बजाने वाला, जिसने भारत की चमक व धमक पूरे विश्व में आज बढ़ाई है, जिन्होंने देश के गरीबों को भी एड्रेस किया है, देश के गरीब की झोंपड़ी को भी एड्रेस किया है और अमेरिका के दोनों सदनों को भी एड्रेस किया है, जो झोंपड़ी में भी जाते हैं और देश के विकास की गाथा भी लिखते हैं, ऐसे मोदी जी सीधा सुझाव मांग रहे हैं। तो आप भी, जो प्रेस के मेरे मित्र हैं, वो भी मेरे साथ नंबर डायल करें। एक बार सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने मोबाइल से ये नंबर मिस कॉल करना है, सीधा प्रधानमंत्री जी के पास इसकी कॉल का वो जो हम देंगे सुझाव वो जाएगा, 9090-2024। 90 90 90। सभी से मैं निवेदन करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा, ये बेल गई, फोन कट गया है और इसके तुरंत बाद इस पे सुझाव आएगा, लिंक आएगा, मैसेज बॉक्स ये आ गया। तो आप उसके ऊपर अपना लिखित या मौखिक सुझाव दे सकते।